परेशान ना कर बेटा। पन्ना कहाँ चला गया? पन्ना, ओ पन्ना, कहाँ छुप गया तू? ऐसे तो तू कभी परेशान नहीं करता मुझे। क्या हुआ पन्ना? पन्ना आके मेरी लाठी पकड़ बेटा, आज तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाती हूँ। लीला, मामी मामी मेरा पन्ना कहाँ है? मेरी तो जान निकली जा रही। ले गए उसे जो उसे छोड़ने आए थे। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो समझाया था तुझे कि प्राय बच्चे में इतना मोह मत डाल। मैं अपने पन्ना के बिना मर जाऊंगी, मर जाऊंगी पन्ना। मैं तुझे कहाँ से लाऊं मेरे बच्चे? मेरा बच्चे ना मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी पन्ना। शांति रख लीला, प्राय चीज पर भला क्या जोर। जा अंदर जाके आराम कर। नहीं मामी, नहीं नहीं। नहीं तो ना सही, बड़ी रोती रहे, भला मैं क्या करूं? हाँ पन्ना, कहाँ से लाऊं तुझे पन्ना? दुख में हरि को सब भजे, सुख में भजे न कोई। और सुख में जो हरि को भजे तो दुख काहे को होए। अरे स्वरूप बाई, अपनी अपनी थाली उठाओ, चलो रसोई घर में। आज से दाल रोटी का हिसाब बंद। चौधरी की जय, चौधरी की जय। मुँह स्वरूप बाई का नाम ही नहीं लेते, जिसकी बदौलत आज पेट भर के खा रहे हैं। क्या? सुन, अंधी को जाके जरा ढारस दे के आ। रो रही होगी पन्ना के लिए। क्यों, पन्ना कहाँ गया? जहन्नम में। क्या मतलब? अरे भगवान, तू बोलती क्यों नहीं? सूटे पर सूटा लगाया जा रही है। उसे मार मार कर दूर जंगल में फेंक आई। क्यों? मुआ कहता था उतार मेरी माँ के गहने। तूने अच्छा नहीं किया स्वरूप भाई, अच्छा नहीं किया। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ए, तेरे होश तो ठिकाने हैं? है? कोई जरूरत नहीं जाने की। क्यों? बदमाश कहता था मैं लीला से कह दूंगा, उसे कोई ढूंढने आया था। अगर भांडा फूट जाता तो हवालात की रोटियां खानी पड़ती कि नहीं। मैंने अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार ली इन गहनों को रखकर। भगवान, ये मेरे गहनों की क्या रट लगा रखी है तूने? क्या तुझे और कुछ नहीं सूझता? इन्हीं कमबख्तों की वजह से तो तू मेरे हाथ से निकली जा रही है, मेरे पाप और पुण्य की साथी। पाप की बात करो, पाप की, पुण्य का कौन सा काम किया है तूने? इसीलिए सोच रहा हूँ कि तेरे हाथों दुर्गति कराने से अच्छा है कि मुंह काला करके कहीं चला जाऊं। बस इतनी जल्दी कांपने लगे अपने पापों से? हाँ, मुझे भी नरक में घसीट कर अब धर्मात्मा बनने की ठानी है। ले पी, जब तक चलती है नाव चलाए जाओ। इस पाप की नाव में अब मुझे पानी भरता दिख रहा है, इसे डूबने में अब देर नहीं है स्वरूप भाई। क्या? तूने तो पतवार छोड़ दी है, अकेला मैं इस नाव को कब तक चलाता रहूंगा? बस एक ही दिन में नानी याद आ गई। अरे अरे, तूने तो मुझे आदमी ही समझना छोड़ दिया इन गहनों को पहनकर। मैं तो ये गहने अपने बदन से अलग करने वाली नहीं। तुम समझते हो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मुंह धो के आओ, मुंह धो के। तुम चलाक हो तो मैं तुमसे सवा हाथ आगे हूँ अकल में। हाँ, तेरी अकल के गुण गागा कर ही तो आज ये दिन देख रहा हूँ। तेरे मुंह में राख, सर में खा। स्वरूप भाई, बहुत कर चुका लिहाज उम्र पर, अब जरा जबान संभाल के बात कर। जा जा, बड़ा आया आंखें दिखाने वाला। क्या? नारियल भर के ला, ठंडा हो रहा है। अरे तो क्या तेरा नशा टूट रहा है कमबख्त? खबरदार जो गाली दी, मार मार कर चांद गंजी कर दूंगी। ऐसा? हाँ ऐसा। हाँ हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा ठहर जा, मुआ जलता है मेरे गहने देख देख कर। समझता है मैं इसके गुस्से के डर के मारे उतार दूंगी? मैं भी नहीं उतारती। लगा ले जोर, लगा ले। हाँ लगा ले। मैं कहता हूँ उतार दिए गहने। नहीं उतारती।
नहीं 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 आज मैं तेरे बकरी की हड्डी हड्डी चूर कर दूंगा। हड्डी हाय राजा मुस्टंडे तेरी जो श्यामत आई है मुस्टंडे। श्यामत मेरी नहीं तेरी आई है। तेरी आई है श्यामत। तेरी आई है श्यामत। मैं तुझे खाने लेके जाऊंगी। हाँ खाने 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 लेके जाऊंगी मुझे। जाऊंगी हाँ। मैं तुझे हथकड़ियां ना लगा के रही तो मेरा नाम स्वरूप बाई नहीं। हाँ सुन ले। अरे ऐसा गजब नहीं करना स्वरूप बाई।